और ऑब्जेक्ट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ओके एवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स होंगे डिज़ाइन होगा ठीक है डेफिनेशन ऑफ क्लासेस होंगी इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग उनकी पोलिमोफिजम क्या होती है जेनेरिक टाइप स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइपिंग देखेंगे देन हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो इडियम्स हैं इनकेप्सुलेशन है वो क्या होती है एक्सेप्शन uh, हैंडलिंग कैसे होती है जी यू आईज क्या होते हैं और हम uh, जो मिड्स के बाद वाला हमारा कोर्स कंटेंट है उसमें यूजली हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम जी क्रिएट करते हैं कैसे हम टेक्स्ट फील्ड्स बनाते हैं नोट पैड्स की एप्लीकेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं इस टाइप की एग्जांपल्स भी हम करेंगे और एट द एंड हम एपलेट्स को भी देखेंगे ठीक है इवेंट डिवेंट प्रोग्रामिंग भी उसी के अंदर आ जाती है उसको भी हम देखेंगे ओके okay. लैंग्वेज हमारी जावा होगी टूल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था डेव जो है सी प्लस प्लस के लिए आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं यूज़ इसके अलावा नेट बीन्स है जो कि हम थ्रू आउट द सेमेस्टर यूज करेंगे और आपने प्रोजेक्ट भी इसी पे क्रिएट करने होंगे एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू शुड बी एबल टू डिवेलप जी वाई बेस्ड एप्लीकेशन इन जावा ओके रूल्स आपको ऑलरेडी पता है uh, कि मिनिमम आपकी इसमें फोर असाइनमेंट्स और फोर कोजेज होंगी एटी परसेंट टू नाइनटी परसेंट जो अटेंडेंस है वो आपकी होनी चाहिए

ओके okay, सबसे पहले स्ट्रक्चरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच हमारे पास दो टाइप्स की जो है अप्रोचेस होती हैं स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता है जो कोड होता है आपका इज डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स और फंक्शंस जस्ट लाइक सिंपल सी प्लस प्लस आपका जो था जैसे आपने डिफरेंट फंक्शंस को यूज करते हुए अपना प्रोग्राम लिखना होता है ठीक है आपके डिफरेंट टास्क जो है वो फंक्शन के थ्रू uh, हो रहे होते हैं वाइल ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग इज अः पैराडाइम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विच कंटेन डेटा इन द फॉर्म ऑफ फील्ड नोन एज एट्रीब्यूट कोड इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर्स नोन एज मैथड्स जबकि अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तो इसमें आपके सारे के सारा जितना भी डाटा हैंडल हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हो रहा होता है ठीक है और हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एट्रीब्यूट होता है ठीक है और उसके कोई ना कोई मैथड्स या फंक्शन या आप कह सकते हैं प्रोसीजर्स होते है. हैं. Suppose, uh, मैं एक टीचर की अपने एट्रीब्यूट होंगे एट्रीब्यूट में क्या आ जाएंगे मेरा नेम आ जाएगा मेरी क्वालिफिकेशन मेरा एक्सपीरियंस आ जाएगा और अगर मैं बात करूं कि मेरे मैथड्स क्या होंगे तो मेरा मैथड ये होगा कि मैंने क्लास लेनी है टेक अ क्लास टेक अ एग्जाम ठीक है, असाइन िटीज और असाइन ड्यूटीज एटसेट्रा ठीक है टू डील विद स्टूडेंट्स इस टाइप के मेरे मेथड्स होंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपकी थ्रू आउट डील करती है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के अराउंड ये जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे और इम्पलीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं स्ट्रक्चर्ड programming focuses on dividing the program into a set of functions in which each function works as a subprogram while object oriented programming focuses on representing a program using a set of objects which encapsulates data and object आपने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ऑलरेडी यूज़ कर ली है इसीलिए उससे डिफरेंस uh, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में आपका जो भी टास्क होता है वो फंक्शंस की फॉर्म में डिवाइड किया हुआ होता है ठीक है आपके सब प्रोग्राम्स होते हैं हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो कि परफॉर्म करके हमें आउटपुट दे देता है जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इतनी सिंपल नहीं है जैसे कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है इसमें आपके पास सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि डाटा को हाइड भी कर रहे होते हैं अपने अंदर ठीक है और अपना जो टास्क है वो भी परफॉर्म कर रहे होते हैं अब हाइड किस तरह से कर रहे होते हैं ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल्स जब बेसिक हम फीचर्स पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स वाइल इट इज ईजियर टू मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स अच्छा आपने अगर एक दफा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम क्रिएट कर लिया किया है ठीक है आपने उसमें डिफरेंट फंक्शंस को ऐड करना है या आपने मॉडिफाई करना है किसी भी किस्म का तो उसमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी बिकॉज़ आपको से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो चेंज करना होगा ठीक है फॉर एग्जांपल अगर आपने फंक्शन में जो है दो नंबर्स को ऐड किया हुआ है तो अब आप आपने तीन नंबर्स को ऐड करना है तो आपको आर्गुमेंट्स मतलब जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वहां पे भी चेंज करने हैं फिर आपने यूजर से इनपुट लेनी है फिर आपने उसको पास कर दिया ऑर्ग्यूमेंट को फिर जब आपने फंक्शन को कॉल किया उसकी डेफिनेशन में जाके वहां पे भी आपने एक और आर्ग्यूमेंट लेना होगा ठीक है वेरिएबल देन आपने रिजल्ट को मॉडिफाई करना है फिर आपने उसको रिटर्न करवाना है तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अगर हमने कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो प्रोग्रामर का, का काम क्या होता है कि बस वो इजीली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है बगैर किसी चीज की परवाह किए और वो उसके साथ कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है ओके इंस्ट्रक्टर्ड प्रोग्रामिंग द मेन मेथड कम्युनिकेट्स विद द फंक्शन बाय कॉलिंग दो इन द मेन प्रोग्राम वेयर एज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर बाई पासिंग मैसेजेस ओके स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हमने देखा था हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होते हैं मेन का फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है और उससे हमने डिफरेंट फंक्शन को कॉल किया होता है अगेन एंड अगेन और फिर वो फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन करने के बाद मेन में हम वापस आ जाते हैं ओके okay? जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सिर्फ हम फंक्शन ही एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उनकी आगे से टाइप्स आ जाती हैं ओवर राइडिंग ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर्स मैथड्स तो जो आपका स्कोप है और वैल्यूज पास करने का मैसेजेस पास करने का किसी भी टास्क को परफॉर्म करवाने का जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ओके देर आर नो एक्सेस स्पेसिफायर्स इन द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग वाइल देर आर एक्सेस स्पेसिफायर्स सच एज प्राइवेट पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड इन ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता था सारा का सारा डाटा पब्लिक होता था दैट मीन्स कि अगर आपने स्ट्रक्चर्स को पढ़ा हो पहले तो आपने शायद ये वर्ड सुना हो कि स्ट्रक्चर्स का सारा डाटा पब्लिक होता है ठीक है जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में में हमारे पास थ्री टाइप्स के मॉडिफायर्स होते हैं हम डाटा को प्राइवेट भी रख सकते हैं प्रोटेक्टेड एग्जांपल्स करेंगे, करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ठीक है बट ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अच्छा डाटा इज नॉट सिक्योर इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बट इट इज सिक्योर इन ऊपर डाटा हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में सिक्योर नहीं है ऑब्वियसली मैंने बताया कि आपके पास वहां पे प्राइवेट का ऑप्शन ही नहीं होता जबकि ऊप में आपके पास ऑप्शन होता है तो यहाँ पे आपका जो डाटा है वो सिक्योर होता है इट इज डिफिकल्ट टू री यूज कोड इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग वेयर एज इट इज इजियर टू री यूज कोड इन ऊप अच्छा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में आप कोड को इजीली री नहीं कर सकते आपको काफी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी uh, मैंने बताया कि प्रोग्रामर uh, बगैर कुछ सोचे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है और इजीली री कर सकता है कोड को ओके okay. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है एवोल्यूशन किस तरह से हुई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डिफरेंट अप्रोचेज हैं जो कि डिस्कस हुई हुई हैं कि सबसे पहले तो हमें पता है कि जब कंप्यूटर बना तो वो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता था और करता है जिसको हम कहते हैं कि ये मशीन लैंग्वेज है या मशीन कोड है ठीक है जीरो और वन की फॉर्म उसके बाद हमारे पास आ जाती है मोनोलिथिक अप्रोच असेंबली एंड बेसिक जिसकी एग्जांपल्स हैं उससे एक स्टेप हम आगे आए जिसमें हमारे पास क्या होता था कि एज अ होल हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट जिसमें हमारे पास जो इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रन एज सिंगल प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो रहा होता है कर्नल पे ठीक है उसके बाद आई हमारे पास प्रोसीजरल अप्रोच जिसमें हमारे पास डिफरेंट टास्क के लिए जो छोटे छोटे प्रोसीजर्स बनाए गए होते हैं जो कि अपना टास्क परफॉर्म करते हैं जस्ट लाइक फंक्शन जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स है फोर्थ एंड कोबोल उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग आ गई थी सी और पासकल सी uh, का आपको आइडिया हो गया होगा या नहीं भी है तो सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज आपने पढ़ी है प्रीवियस सेमेस्टर में वो सी की मॉडिफिकेशन होती है ठीक है सी uh, में हमारे पास इतना जो है ऑप्शन नहीं थे थोड़ी सी सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि वो थोड़ी ओल्ड सिंटेक्स है उसका तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जिसमें यूज होती थी अभी तक आपने सी प्लस प्लस में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ही थी जिसमें हम सिंपल फंक्शन बनाते हैं और उनको कॉल करते हैं हैं और फिर मेन में हम वापस आ जाते हैं ठीक है तो इसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच है जो कि आजकल मोस्टली यूज हो रही होती है आप कोई भी लैंग्वेज देख लें सी शार्प देख लें आप एंड्रॉइडपेंट देख लें उसमें भी OOP की concept ही यूज हो रहे होते हैं ठीक है कोई भी आप आजकल की लैंग्वेज देख लें उसमें ऊप यूज होती है तो सी प्लस प्लस में भी हम ऊप के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स को और जावा में तो हम करते ही ऊप के कॉन्सेप्ट ठीक है थीके? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसको हम आगे लेके चलते हैं हैं और इसके देखते हैं कि बेसिक पार्ट्स क्या हैं। ओके okay. सबसे पहले हमने कहा कि आप जब भी बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तो इसमें लाजमी सी बात है जितना भी आपका कोड होगा अराउंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होगा ठीक है क्लासेस क्या होती हैं ब्लूप्रिंट होती हैं हमारे पास इसके आगे हम डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं इसको कि क्लासेस क्या होती हैं हर क्लास में जो है डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं देन हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉलिंग करते हैं उसके बाद आपका जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट है वो डाटा एब्सट्रक्शन का है डाटा एब्सट्रेक्शन क्या कर रहा होता है कि आपकी जो जो यूजली डिटेल्स होती हैं, जो कि कंप्लेक्स डिटेल्स होती हैं, उसको हाइड कर दिया जाता है यूजर से ठीक है यूजर को सिर्फ और सिर्फ जो है एप्लीकेशन का इंटरफेस नजर आ रहा होता है उसको यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया जाता है उसको नहीं पता होता कि किस कमांड के थ्रू कौन सा काम हो रहा है ठीक है तो जो इनरेलीवेंट डिटेल्स होती हैं वो हाइड कर दी जाती हैं उसके उसकेशन बाइंड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ठीक है आ, इसको हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो विद डिटेल देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास इनकेप्सुलेशन इम्प्लीमेंट हो रही है अभी सिर्फ आ, और सिर्फ आपको थेरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि ये हमारे पास ऊप के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसके अलावा इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी होती है एक्चुअली इन्फॉर्मेशन हाइडिंग को आप कह सकते हैं कि इनकेप्सुलेशन का ही एक मैकेजम है ठीक है उसके अलावा हमारे पास इनहेरिटेंस होती है इनहेरिटेंस में भी हमारे पास ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल जैसे एक पेरेंट है तो पेरेंट की जो जायदाद होती है उसमें हमारे जो चिल्ड्रन होते हैं पेरेंट के जितने भी उनका जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज वो ले सकते हैं ठीक है और उसके अलावा उनकी कुछ अपनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट होते हैं तो इनहेरिटेंस बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी इम्प्लीमेंट की जाती है देन पोलीमोफिज़म है पोली का मतलब होता है पोलीमोफिजम uh, का एक्चुअली किस मैनी फॉर्म्स ऑफ सेम थिंग और सिमिलर थिंग तो हमारे पास इसके आगे से टाइप्स आ जाती हैं ओवर राइडिंग और ओवर लोडिंग की और uh, जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पे आप भी कह सकते हैं कि uh, ये हमारे पास कहीं भी आप ऊप से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किया जाए तो इसमें लाजमी इन चारों में से कोई एक का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन जो हमारे पास इनकेप्सुलेशन होती है वो क्या होती है पोले कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है या एब्सट्रेक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आपको लाजमी वन बाय वन हम जो है इसको सीखेंगे और लाजमी आपका इसका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए कैप्सुलेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो ये होती है कि बाइंड्स और प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट कि आपकी जो प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स की हम बात कर रहे थे उसको और मेथड्स जो कि हमारे फंक्शंस थे जैसे मैंने अपनी एग्जांपल्स दी थी उनको एक सिंगल यूनिट में बाइंड कर दे दिया ठीक है क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एट्रीब्यूट्स भी सेट कर रहे होते हैं ठीक है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मैथड्स को भी कॉल कर रहे होते हैं तो सारे के सारी एक ही जगह पे मेमरी में हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो डाटा पढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक कैप्सूल में हमने सारे डाटा को बंद कर दिया तो इसी के थ्रू इसका नाम जो है वो इनकेप्सुलेशन है इनहेरिटेंस क्या करती है अलाउज द क्लास टू यूज प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास इनहेरिटेंस की जैसे मैंने एग्जांपल दी कि पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन होते हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट्स से भी ले रहे होते हैं चाहे हम उसकी बात करें जायदाद की या हम बात करें कि उनकी नेचर की या उनके कुछ एटीब्यूट्स की या स्किन कलर की तो वो भी कुछ एटीब्यूट्स जो हैं चिल्ड्रन में आ रहे होते हैं और कुछ चिल्ड्रन के अपने ही एट्रीब्यूट्स भी होते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सिर्फ नेम की बात करती हूँ तो जो बच्चे का जो नाम होता है वो फर्स्ट नाम उसका अपना होता है दैट मीन्स कि वो उसका अपना एट्रीब्यूट है जबकि जो लास्ट नाम होता है वो फादर का होता है दैट मीन्स कि वो उसने इनहेरिट किया है ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट हम अपनी प्रोग्रामिंग में भी इम्प्लीमेंट करेंगे थर्ड हमारे पास है पोलिमोफिज पोलिमोफिज अलाउस एन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म इन मल्टीपल वेवरलोडिंग एंड ओवर राइडिंग पोलिमोफिज मैंने पहले भी बताया कि इसका मतलब ये होता है कि मैनी फॉर्म्स ऑफ सेम थिंग सिमिलर थिंग दैट मीनस के uh, हम मेथड uh, की डिफरेंट टाइप्स बना देते हैं होता है कि नहीं मैं उसका लेकिन डिफरेंट टाइप्स बना देंगे ठीक है इस तरह कंस्ट्रक्टर्स होते हैं एक कॉन्सेप्ट है उसकी हम डिफरेंट टाइप्स बना देंगे होते वो एक ही हैं तो uh, इसकी आगे से टाइप्स होती हैं ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये भी एक बेसिक हमारे पास इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऊब का लास्ट बट नॉट द लीज एब्सट्रेक्शन हाइड्स द इंटरनल डिटेल्स एंड डिस्प्लेस ओनली द फंक्शनैलिटीज टू द यूजर मोर ओवर एबस्ट्रेक्ट क्लासेज एंड इंटरफेसिसक्शन एब्सट्रेक्शन हमारे पास क्या होती है कि आपकी जो भी इंटरनल डिटेल्स हैं वो यूजर से हाइड कर दी जाती हैं यूज करने वाले को एप्लीकेशन यूज़ करने वाले को नहीं पता कि हमारे पास कौन सी कमांड से कौन सी जो है फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लासेज uh, हैं वो एब्सट्रेक्ट क्लासेस होती हैं या इसके अलावा हमारे पास इंटरफेसेस भी होते हैं ये सारी जो बातें हैं मैं कर रही हूँ ये इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इम्प्लीमेंट करेंगे हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे अभी तक सिर्फ मैं आपको थेराटिकल कॉन्सेप्ट दे रही हूं हूं ठीक है जावा में करेंगे ओके okay, जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउज द प्रोग्रामर टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड सिनेरियोस यूजिंग ऑब्जेक्ट्स लेट्स सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैंने यूनिवर्सिटी का कोई जो है सिस्टम क्रिएट करना है एप्लीकेशन बनानी है तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लास बनेगी वो यूनिवर्सिटी की बनेगी उसमें हमारे पास डिफरेंट क्लासेस जो बन सकती हैं वो डिपार्टमेंट वाइज बन सकती हैं उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट क्लासेस फैकल्टी की बन सकती हैं स्टूडेंट्स की बन सकती हैं दैट मीन्स कि आप रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम uh, होती हैं सिनेरियोज होते हैं उनको आप ऊप को यूज करते हुए डिवेलप कर सकते हैं और करेंगे एंड ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी डेट है ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है कोई भी एक ऐसी एंटिटी जिसकी कोई स्टेट है ठीक है एंड उसका कोई बिहेवियर है स्टेट का मतलब है एट्रीब्यूट्स दैट मीन्स कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दी थी कि मैं टीचर हूँ तो मेरे कुछ एट्रीब्यूट्स या स्टेट्स हैं मेरा नेम है मेरा एक्सपीरियंस है, है मेरी क्वालिफिकेशन है ठीक है uh, उसके अलावा मेरे बिहेवियर्स या मेथड्स जैसे मैंने नाम दिया था पहले वो होंगे उसमें क्या आ जाएगा टेक अ क्लास टेक अ कोस्ट गिव अ प्रेजेंटेशन या टेक अ प्रेजेंटेशन एट्सट्रा जैसे अब मैं एक टीचर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया इसी तरह आपका जो है uh, मैं बात करूं फैकल्टी uh, की बात हो रही है फिर स्टूडेंट की क्लास की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट के साथ मैं क्या करूंगी इंटरेक्ट करूंगी मैं किसी स्टूडेंट का ही क्विज ले रही हूंगी मैं किसी स्टूडेंट को ही लेक्चर दे रही हूँ तो सारे के सारे स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स होंगे इसी तरह मेरा भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर, कर रहे होते हैं और पासिंग मैसेजेस कर रहे होते हैं फर्दर मोर अ क्लास इज अ ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट जब भी आपसे क्लास की बेसिक डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने क्या कहना है क्लास इज अ ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ठीक है क्लास हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक ब्लू प्रिंट है इट इज नेसेसरी टू हैव अ क्लास टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है फॉर एग्जांपल मैंने Uh, मैं टीचर हूं और मैंने अपना ऑब्जेक्ट बनाया और मेरे जो एटीट्यूड्स uh, और uh, जो बिहेवियर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए तो मेरे लिए कोई ना कोई क्लास भी होनी चाहिए और क्लास क्या होगी फैकल्टी के नेम से होगी क्लास हमेशा थोड़ा सा जनरल हमारे पास जो है नेम होता है और फॉर एग्जाम्पल टू क्रिएट एन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट देर शुड बी एन एम्प्लॉय क्लास ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ कि मैं एक एम्प्लॉय हूं इस यूनिवर्सिटी की तो एम्प्लॉय के लिए कोई क्लास होनी चाहिए जिसमें जिसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी हमेशा जब भी आपने ऑब्जेक्ट बनाना है तो किसी ना किसी क्लास

ओके okay जी अब जावा लैंग्वेज को हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट वीक से इम्पलीमेंट करना है यहाँ पे थोड़ी सी थेरी हम देख लेते हैं जावा की हिस्ट्री क्या है जो कि स्टार्ट हुई थी एक ग्रीन टीम थी उसने स्टार्ट की थी ठीक है जावा टीम मेंबर्स थे जिसको हम ग्रीन टीम का नाम देते हैं और इस प्रोजेक्ट को एज अ लैंग्वेज उन्होंने जो है डिवेलप किया था प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उन सारी जो भी टीम मेंबर्स थे उन सबको ग्रीन टीम्स का नाम दिया गया था ओरिजिनली डिजाइन फॉर स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम्स इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायसेज लाइक सेट टॉप बॉक्स अच्छा स्टार्ट जब उन्होंने किया था तो उन्होंने छोटे-छोटे एम्बेडेड सिस्टम्स बनाए थे ठीक है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में उसके लिए उन्होंने स्टार्ट की थी ये लैंग्वेज फर्स्टली इट वाज कॉल्ड ग्रीन टॉक बाय जेम्स कॉसलिंग एंड फाइल एक्सटेंशन वाज डॉट जीटी स्टार्ट में जब ये लैंग्वेज आई थी तो उसको ग्रीन टॉक का नाम दिया गया था और उसकी एक्सटेंशन उस टाइम पे डॉट जी होती थी जबकि बाद में उसको क्या कर दिया गया था जावा एंड पे कर दिया गया था आफ्टर डैट इट वाज कॉल्ड ओक एंड वाज डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रीन प्रोजेक्ट इसके अलावा जब ग्रीन टॉक के बाद इस पे थोड़ी सी डिवेलपमेंट और की गई तो उसको ग्रीन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था और ओक जो है इस लैंग्वेज को कहा गया था वाई जावा नेम्ड ओक वाई ओक ओक इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड चूजन एज अ नेशनल ट्री ऑफ मेनी कंट्रीज लाइक यूएसए, फ्रांस जर्मनी रोमानिया एटसेट्रा क्योंकि काफी सारी कंट्रीज में जो ओक है वो एक जो सिंबल है स्ट्रेंथ का समझा जाता है ठीक है और नेशनल ट्री भी है तो इसलिए उन्होंने इसका नाम ये रख दिया था ओक In 1995, Oak was renamed as Java, Java रख दिया गया डिट इसके वर्जन आ चुके हैं जो कि 95 से लेके आपको 2018 तक नजर आ रहे हैं ठीक है ये इसके डिफरेंट वर्जन हैं। पहले जे डी के था फिर जे टू एस सी हो गया फिर जावा के नाम से हमारे पास इसके वर्जन हैं, ठीक है ओके okay. उसके बाद जी जावा के हमारे पास डिफरेंट फीचर्स आ जाते हैं और ये फीचर्स जो हैं वन बाय वन हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड है ठीक है जिसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं और क्लासेस होती हैं इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जावा क्योंकि एवरी थिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट ठीक है सारा का सारा काम ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे और आप क्लासेस के थ्रू करेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है जावा जावाइज प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म में आप इसको एग्जीक्यूट uh, कर सकते हैं प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है आपका हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी इन्वायरमेंट हो सकता है जिसपे प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है ओके सिक्योर लैंग्वेज है जी जावा इज अ बेस्ट नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी वाई बिकॉज ये हमारे पास जितने भी सिस्टम्स डिवेलप करती है ये वायरस फ्री भी होते हैं ओके okay? रोबस्ट है ये लैंग्वेज रोबस्ट क्यों है क्योंकि एक तो ये हमारे पास जो है मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी यूज कर रही होती है इसके अलावा यहाँ पे लैक ऑफ पॉइंटर्स होता है पॉइंटर्स जैसे मैंने स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको कवर नहीं करवाया क्योंकि ऊप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स वैसे भी ज़्यादा यूज नहीं हो रहे होते ठीक है तो इसलिए भी ये हमारे पास रोबस्ट होती है और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है आर्किटेक्चर न्यूट्रल है ठीक है इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की तो उसमें हम कहते हैं कि 32 टू बिट आर्किटेक्चर के लिए इतनी मेमरी रिजर्व होगी और 64 फोर बिट है तो उसके लिए फोर बाइट रिजर्व होगी ठीक है तो इस जावा लैंग्वेज में ऐसा नहीं है इसलिए हम कहते हैं कि इसका साइम हम जो साइज है प्रमेटिव टाइप्स का वो फिक्स होता है हमेशा पोर्टेबल है बिकॉज इट फैसिलिटेट्स यू टू कैरी द जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म में इसका बाइट कोड ले जाके जो है यूज कर सकते हैं हाई परफॉर्मेंस है हाई परफॉर्मेंस जो है सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जावा एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है is, जो हमारे पास इंटरप्रेटिड लैंग्वेज हैं उसके अकॉर्डिंग जो जावा है वो फास्ट है हाई परफॉर्मेंस है ठीक है डिस्ट्रीब्यूटेड है जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट फैसिलिटेटर्स एप्लीकेशन इन जावा हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट को यूज करते हुए एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं ठीक है डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट्स आपके पास क्या होते हैं कि आपने मल्टीपल uh, जो है नोट्स uh, बनाए हुए हैं ठीक है सिस्टम्स के और आप उसमें डाटा uh, को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ आपकी जो है डाटा uh, की प्रोसेसिंग जो है वो पैरालल वे uh, में हो रही होती है मल्टी थ्रेडेड है जी मल्टी थ्रेडेड का मतलब यह है कि अ थ्रेड इज लाइक अ सेपरेट प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग कनकरेंटली ठीक है uh, हम कह सकते हैं कि जावा प्रोग्राम जब भी हम कोई लिखते हैं तो वो डिफरेंट टास्क को एट अ टाइम डील कर रहा होता है ठीक है मल्टीपल थ्रेड्स बनाते हुए डायनामिक है डायनामिक लैंग्वेज इसलिए है कि डिफरेंट डायनामिक लोडिंग ऑफ क्लासेस को ये सपोर्ट कर रही होती है इट मींस क्लासेस आर लोडेड ऑन डिमांड ठीक है इसके अलावा डिफरेंट फंक्शंस को ये सपोर्ट कर रही होती है एज़ कंपेयर टू अगर हम देखें सी और सी प्लस प्लस में तो सी और सी प्लस प्लस के भी काफ़ी जो हैं uh, फंक्शन हैं उसके ऑल्टरनेट यहाँ पे मौजूद होते हैं डायनामिक इसकी कंपाइलेशन होती है ऑटोमेटिक मेमरी मैनेजमेंट होती है ठीक है मींस गार्बेज कलेक्शन में भी ओके okay, तो ये हमारे पास इसके डिफरेंट जो हैं फीचर्स हो गए जो कि जावा लैंग्वेज हम इसलिए पढ़ते हैं कि इसके इतने सारे हमारे पास बेनिफिट्स हैं तो इसको हम सीखेंगे इसके लिए आपने जो टूल यूज़ करना है वो नेटबीन्स है और नेट बीन्स को आपने जब इंस्टॉल करना है तो उसके लिए साथ साथ आपको जे लेटेस्ट वर्जन भी चाहिए होगा ठीक है जावा रन टाइम एनवायरमेंट और अगर आपके uh, सिस्टम्स में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जे आ रही तो आपको दोबारा से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है आपका नेट मीनस उसको पिकअप कर लेगा और अगर विंडो टेन आप यूज कर रहे हैं तो आपको जे डी के इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है ठीक है तो ये हमारे पास इसका प्रोग्राम जावा का कैसे एग्जीक्यूट होता है कौन सी फाइल्स क्रिएट हो रही होती हैं ये सारे जो हम प्रोसेस हैं ये इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे अभी तक के लिए हमने सिंपल ऊप के जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो देख लिए ठीक है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और इसके अलावा जावा के बेनिफिट्स देख लिए और कोई किस टूल पे हम काम करेंगे ये भी देख लिया तो नेक्स्ट वीक में आपके पास जो नेट बीस है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए ताकि हम जो प्रोग्राम्स की एग्जाम्पल्स करेंगे इम्प्लीमेंट वो हम नेट बीन्स पे कर सकें